तक आपने देश में गाय पर सियासत देखी, देश के कई हिस्सों में बेगुनाह लोगों की जानें चली गई। गाय और गौशालाओं के नाम पर सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण का नया खेल शुरू हो गया है। जी हाँ, हम किसी गांव खेड़े की बात नहीं कर रहे, बल्कि मुंबई जैसे शहर में पश्चिम द्रुतगति मार्ग पर गोरेगांव पूर्व के पटेल कंपनी के पास मुख्य सड़क पर बनाए गए इस गौशाला और मंदिर की बात कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार हाईवे रोड का अतिक्रमण कर पक्की गौशाला का निर्माण किया गया है। गायों को डाले जाने वाला चारा मुख्य सड़क पर पड़ा हुआ है। हम जनमानस के आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, परंतु इस प्रकार से केवल अतिक्रमणकर्ता को ही फायदा पहुंचता है। गायों की आस्था के नाम पर चारा बेचा जाता है, उनके दूध को बेचा जाता है, उनके परवरिश के नाम पर चंदे लिए जाते हैं, मंदिर निर्माण के नाम पर चंदे लिए जाते हैं, जो ईश्वर सेवा नहीं बल्कि स्वयं का पेट भरने का साधन हो गया है। जिसके पास कोई काम धंधा न हो, वह एक छोटा सा मंदिर अथवा गौशाला बना ले और धीरे धीरे उसे पक्का बना ले, भविष्य की आमदनी का साधन हो जाएगा। इस अतिक्रमण को करने वाले जो कि केवल इसी कमाई से करोड़पति बन चुके हैं। आश्चर्य की बात है कि यह अतिक्रमण न बीएमसी को दिख रहा है, न हाईवे अथॉरिटी को, और जब इसे भविष्य में हटाना होगा तो सभी विभागों को नाको चने चबाना पड़ेगा, और अतिक्रमणकर्ता इसे आस्था का विषय बनाकर लोगों को भड़काने का कार्य करेंगे। हम संबंधित विभागों से अनुरोध करते हैं कि अब भी कुंभकर्ण की नींद से जागे, अथवा आस्था पर अतिक्रमण भारी होगा, जो कि भविष्य में यहाँ पर धर्म का मुद्दा बनते देर नहीं लगेगा। हमारी इस विशेष रिपोर्ट का मकसद किसी के आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना बिल्कुल नहीं है। हमारा ये रिपोर्ट केवल और केवल लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यदि समय रहते संबंधित विभाग के अधिकारी कथित अतिक्रमणकर्ता पर कार्रवाई करते हैं तो दूसरे अतिक्रमणकर्ताओं को इससे सबक मिलेगा। कैमरा पर्सन विनोद राजपूत के साथ ओम प्रकाश मिश्र, भारतीय समाचार, मुंबई।